हो जाते। वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, मदद हासिल करो सब्र से और नमाज से। हमारे बुजुर्गान दीन ने बड़ी खूबसूरत बात इरशाद फरमाई, फरमाया रब कहता है सब्र से मदद मांगो और नमाज से मदद मांगो। सब्र खुदा है क्या? सब्र खुदा नहीं है, नमाज खुदा नहीं है, ना नमाज खुदा है ना सब्र खुदा है। और रब कह रहा है कि नमाज से और सब्र से मदद हासिल करो। अगर गैर खुदा से मदद हासिल करना शिर्क होता तो नमाज और सब्र भी तो गैर खुदा है, खुदा तो नहीं है, फिर उनसे मदद मांगने का दर्स क्यों दिया? वो भी कुरान ने, वो भी रब ने, गैरुल्ला से मदद मांगने का दर्स दिया रब ने। फरमाया ये खुदा तो नहीं है मगर सब्र और नमाज खुदा के प्यारे हैं, इसलिए रब ने कहा कि इनसे मदद हासिल करो। इससे हमें यह पता चला कि अल्लाह के प्यारों से मदद मांगी जाए तो रब कबूल फरमाता है, सुभान अल्लाह। जैसे नमाज और सब्र अल्लाह के प्यारे हैं, ऐसे ही औलिया और अंबिया भी अल्लाह के प्यारे हैं। जैसे इनसे मदद हासिल की जा सकती है, उनसे भी मदद हासिल की जा सकती है। तो गैर खुदा से मदद हासिल करना शिर्क ना हुआ। तो अब कोई ये कहे अगर गैर खुदा से मदद हासिल करना शिर्क नहीं तो जो बुतों से मदद मांगते हैं फिर वो भी तो गैर खुदा से मांगते हैं, वो शिर्क क्यों है? छोटा सा फर्क है, छोटा सा, बस वो फर्क ज़हन नशीन रहे। बुतों से मदद मांगने वाले बुतों को खुदा समझते हैं, नमाज और सब्र से मदद मांगने वाले, औलिया से मदद मांगने वाले, अंबिया से मदद मांगने वाले उन्हें खुदा नहीं समझते। फर्क यही है कि खुदा समझ के किसी से भी मदद मांगी जाए, चाहे नबी से या वली से, खुदा समझ वो शिर्क है। और खुदा ना समझा जाए बल्कि खुदा का प्यारा समझ के मदद मांगी जाए, ऐन ईमान है, सुभान अल्लाह। खुदा का प्यारा समझ के मदद मांगी जाए तो इस्लाम है, कुरान है। खुदा समझ के मदद मांगी जाए तो शिर्क है।